हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा कार्य ऊर्जा और शक्ति के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में आते हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिएगा, यदि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि आपको दोस्तों रोज़ ही इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहें और आप अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखता है आपको, कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय का पता होना चाहिए। ये बताता है दोस्तों, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, आपने कोई भी वस्तु पर कार्य किया तो उसका जो मान होता है दोस्तों, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात आप बोलते हैं W बराबर डेल्टा K, जहाँ पर आपका K क्या है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा, ये आपका यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है। अब यहाँ पर देखिए, पूछा क्या गया आपको, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का समाकलन होता है, या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का समाकलन, या तृतीय नियम का समाकलन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका प्रथम नियम का समाकलन होता है। यदि आप देखेंगे दोस्तों, dW बराबर निकालेंगे आप दोस्तों, तो आपका FdS होता है। आपको पता होगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ पर आप रख देंगे F बराबर MA और यहाँ पर आपका dS आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका A क्या है, यहाँ पर आपका त्वरण है। तो त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, त्वरण बराबर आपका होता है dV/dt। तो आप रख देंगे mdV/dt और यहाँ पर आपका dS यहाँ पर है आपका। तो dS/dt क्या होता है दोस्तों, ये आपका चाल होता है। तो यहाँ पर आप रख देंगे दोस्तों mvdv हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका dS/dt बराबर आपका v आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो इसका समाकलन आप कर देंगे दोस्तों, आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय मिलेगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे प्रथम नियम का दोस्तों समाकलन, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्य का सेकंड इकाई मात्रक क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बताना है आपको, जूल होगा, अर्ग होगा, या किलोग्राम गुणा मीटर होगा, या फिर किलोवाट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी पिंड के संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोगुनी होगी, आधी हो जाएगी, या फिर चारगुनी हो जाएगी, या फिर चौथाई हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गतिज ऊर्जा और संवेग में आपको रिलेशन पता होना चाहिए दोस्तों। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है दोस्तों आपका 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ पर आपका m द्रव्यमान है, v आपका वेलोसिटी है, और p बराबर संवेग बराबर होता है दोस्तों आपका mv। तो इनमें आप जब संबंध निकालेंगे दोस्तों, इसको आपको विस्तार में बाद में बता देंगे कभी आपका वीडियो बना के, आपको पता होना चाहिए इनमें संबंध आपका होता है दोस्तों k बराबर p2/2m। ये आप वहाँ से निकाल लेंगे आराम से, जो आपको फॉर्मूले बताए उनके माध्यम से आपका निकल जाएगा। तो p2/2m हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप p को दोगुना कर देंगे तो ऑब्वियस है कि आपका p का दोगुना करते ही दोस्तों आपका k बराबर क्या हो जाएगा, 4p2/2m। तो यहाँ पर देखिए, पहले की तुलना में दोस्तों चार गुनी हो गई, पर तो आप कह देंगे दोस्तों पहले की तुलना में चार गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका तीन वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग को आधा कर देने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपका 1/2 mv² आप पहले लिख लेंगे, ये आपका k1 है। अब देखिए, यदि आप दोस्तों द्रव्यमान को क्या कर देंगे, द्रव्यमान को आप दोगुना कर देंगे 2m कर देंगे, और वेलोसिटी को आप आधा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका क्या था फॉर्मूला, क्या था, 1/2 mv². अब यहाँ पर देखिए, m की जगह पर दोस्तों आप रख देंगे 1/2, m को आप 2m रखेंगे, और v की जगह पर दोस्तों आप v/2 रखेंगे, बाहर से स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/2 2m आपका आ गया, और एक और v/4 का दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका 2 से 2 आपने काट दिया, तो आपका यहाँ पर देखिए पहले की तुलना में दोस्तों क्या हो गया, 1/4 mv², अर्थात पहले की तुलना में दोस्तों ये आधा हो गया, क्योंकि पहले आपका 1/2 था, अब आपका 1/4 हो गया। तो 1/4 दोस्तों 1/2 का आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा वाला काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। पृथ्वी तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उठा हुआ 5 किलोग्राम का एक पिंड, या फिर चाबी भरी हुई गाड़ी की स्प्रिंग, या फिर भूमि पर लुढ़कते हुए क्रिकेट की गेंद, या बंद बेलन में पिस्टन द्वारा संपीड़ित गैस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिखता है भूमि पर लुढ़कती हुई जो आपकी गेंद होती है दोस्तों, ये आपका गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो आपका दिखता है दोस्तों, पृथ्वी तल से 5 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड आपका है, तो ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल होता है, ये आपका दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका यू बराबर आपका होता है mgh। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों पहला वाला। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपका फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संरक्षी बल F तथा स्थितिज ऊर्जा U में क्या संबंध है। संरक्षी बल के बारे में बता होना चाहिए दोस्तों आपको,
दोस्तों यहाँ पर देखिए संरक्षी बल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, देखिए जब आपने कोई भी बल लगाया वस्तु पर, उसको विस्थापित कर दिया, तो उस पर किया गया जो कार्य है दोस्तों वो मार्ग पर अर्थात उसके पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अर्थात मान लीजिए आपने यहाँ से बल लगाया किसी वस्तु में, यहाँ पर पहले आपकी वस्तु यहाँ पर थी A1 पे, बाद में विस्थापित होकर A2 पर आ गई, तो इतना विस्थापन हुआ आपका D हुआ, तो ये पथ पर दोस्तों यदि आपका डिपेंड ना करे, कहने का मतलब आप यहाँ से बल लगाएं या फिर आप यहाँ से जाएँ, सभी जगह से दोस्तों आपका वही मान आपको मिलता है, तो आप कहते हैं कि आपका जो बल लगाया गया, जो आपने जो बल लगाया वो मार्ग पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात पथ पर दोस्तों डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म देखेंगे तो आपका F बराबर होता है ΔU, अर्थात आपने क्या किया, स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों बदल दिया, आपका इनिशियल पोजिशन माइनस आपका फाइनल पोजिशन, तो आपका ऑप्शन नंबर A वाला सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों यदि आपको असंरक्षी बताना होगा तो वो दोस्तों आपका पथ पर डिपेंड करेगा, अर्थात दोस्तों आपका पाथ पर डिपेंड करेगा, यदि आप पाथ बदल देंगे तो आपका बल का मान अर्थात कार्य का मान दोस्तों बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इनमें से आपको बताना है कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, या फिर कुल स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, या फिर सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित रहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है दोस्तों, सभी प्रकार की एनर्जी आपकी जो भी है, आपका देखिए दोस्तों आपका ऊर्जा ऊष्मा भी आपका एनर्जी होती है, या फिर आपका कार्य भी दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा सभी प्रकार की दोस्तों ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका सभी का दोस्तों योग जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है अर्थात कंजर्वेटिव रहता है, तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, शक्ति मतलब दोस्तों आपका पावर, पावर का जो आपका सेकंड का यूनिट होती है, जूल होगी, अश्वशक्ति होगी, वाट होगी या किलोवाट होगी, ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए वाट हो जाएगी, और यदि आपका बड़ा मात्रक देखेंगे दोस्तों आपका किलोवाट होता है, और अश्वशक्ति भी दोस्तों आपका मात्रक होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये शक्ति का होता है, ऊर्जा का होता है, दोनों का या फिर किसी का भी नहीं, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है दोस्तों, ऊर्जा का बड़ा मात्रक आपका होता है किलोवाट घंटा, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ऊर्जा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऊर्जा बराबर क्या होता है, सामर्थ्य गुणा समय, तो यहाँ पर देखिए आपका सामर्थ्य का किलोवाट हो गया, समय का दोस्तों आप घंटा रख देंगे तो आपका ये किलोवाट घंटा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 अश्व सामर्थ्य या 10 अश्व सामर्थ्य या फिर आपका 746 अश्व सामर्थ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अश्व शक्ति का आपको पता होगा दोस्तों, 1 हॉर्स पावर में दोस्तों आपके होते हैं 746 वाट। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया दोस्तों 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1 किलोवाट में दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वाट होता है, तो यहाँ पर देखिए 1000 वाट, यदि आपका 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और आपको पता है कि 1 वाट में दोस्तों आपके 1/746 आपके HP आते हैं, हॉर्स पावर आते हैं, तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, यदि आपका 1000 में निकालेंगे तो आपका 1000 1 किलोवाट में आपका आ जाएगा दोस्तों 1 किलोवाट बराबर 1000/746, तो इसे आप निकालेंगे तो आपका दोस्तों आएगा 1.34 अश्व शक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होते हैं, और साथ ही साथ आपका 1 HP में 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है कार्य एवं सामर्थ्य में क्या संबंध होता है, अर्थात दोस्तों आपको वर्क एंड पावर में क्या रिलेशन होता है बताना है। आपको पता होगा दोस्तों कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, अर्थात जो आपका P बराबर होता है दोस्तों आपका W/T होता है, तो यहाँ से आप निकालेंगे W बराबर क्या हो जाएगा P × T, तो यहाँ से आपका आ गया दोस्तों सामर्थ्य गुणा समय, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा दिखता है, पहला वाला दिखता है आपका, पहला वाला सही हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है तो मशीन का सामर्थ्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिया है W बराबर आपका 200 जूल, तो समय आपको दिया है दोस्तों T बराबर आपको दिया है 8 सेकंड। अभी आपने देखा दोस्तों P बराबर क्या होता है W/T, तो यहाँ से आप सामर्थ्य निकाल लेंगे 200/T बराबर 8 है आपका, 200/8 करेंगे दोस्तों आप काट देंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 25 वाट आपको मिला। ध्यान आपको रखना है दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो आप वाट में ही आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, प्रत्यास्थ मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए कॉलिजन जो टक्कर होती है, आपको पता होगा दोस्तों जब दो पिंड आपस में टकराने के बाद उनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, उसे आप बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों आपका जो आइडल गैस होती है, जो आदर्श गैस होती है, उनके जो अणु होते हैं दोस्तों आपस में टकराने पर, किसी पात्र के अंदर टकराने पर उनकी पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा बराबर रहती है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं एक आदर्श गैस के अणु। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वाला सही है आपका, निकाय की केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, या निकाय की केवल संवेग संरक्षित रहता है, या निकाय की गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, या फिर निकाय की न तो गतिज ऊर्जा और ना ही संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका तीसरा वाला हो जाएगा, इसमें क्या होता है दोस्तों आपका
जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है K1 दोस्तों बराबर आपकी K2 होती है, और वैसे ही आपका दोस्तों P1 बराबर आपका P2 होती है, अर्थात जो आपका पहले का और बाद का है दोनों ही संरक्षित रहते हैं, या फिर आप संक्षिप्त तौर पर कह सकते हैं K1 प्लस P1 बराबर K2 प्लस P2, यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा प्लस संवेग बराबर बाद वाले दोस्तों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्णतया अप्रत्यास्थ संगठन में क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके नॉन कोलिजन होते हैं उनमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है दोस्तों मान लीजिए आपने कोई गीली गेंद पकड़ी या फिर आपने आटे का दोस्तों यहाँ पर एक गोला लिया, उसको आप दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है, फिर वहाँ पर गिर जाता है, तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या होता है आपका अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें देखिए दोस्तों आपका संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेंगे, या संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही असंरक्षित रहेंगे, या संवेग संरक्षित एवं गतिज असंरक्षित रहेगा, या संवेग असंरक्षित एवं गतिज आपका संरक्षित रहेगा। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो संवेग होता है दोस्तों वो आपका संरक्षित रहता है, लेकिन जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो आपकी असंरक्षित रहती है। कहने का मतलब आपका पी दोस्तों आपका बाद वाला भी सेम होगा, लेकिन दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों इसमें गति खत्म हो जाती है बाद में, वो दोस्तों आपकी स्थितिज में पोटेंशियल में बदल जाती है, तो इससे दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा पहले वाली और बाद वाली दोनों बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे दोस्तों इनको। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए गति ऊर्जा के क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।